हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नॉलेज गुरु। टुडेज आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक अकोमोडेशन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, ऑप्टिक्स में आपका अकोमोडेशन कैसे होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्टिकल तरीके से अकोमोडेशन क्या होता है। नोट करिएगा अकोमोडेशन में, एज वी नो दैट इन वन दैट इन एन इमेट्रोपिक आई पैरेलल लाइट रे कमिंग फ्रॉम इन्फाइनिटी आर ब्रॉट टू फोकस ऑन द रेटिना वाइल अकोमोडेशन इज रेस्ट बट इन नियर ऑब्जेक्ट लाइट रे फोकस ऑन द रेटिना विथ मैकेनिज्म इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज द प्रोसेस बाई विच द आई इंक्रीज इट्स कन्वर्जिंग पावर सो दैट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन इन्फाइनिटी एंड नियर पॉइंट ऑफ आई। देखिए इसमें क्या बता रहा है अकोमोडेशन में, एज बी नो यानी कि जैसा कि हम जानते हैं दैट इन एन इमेट्रोपिक आई यानी कि इमेट्रोपिक आई में पैरेलल लाइट रे कमिंग फ्रॉम इन्फाइनिटी यानी जो पैरेलल लाइट रे होती है वो कहाँ से आती है, इन्फाइनिटी से आर ब्रॉट टू फोकस ऑन द रेटिना और वो कहाँ पे फोकस करती है, रेटिना पे। यानी कि हम जैसा जानते हैं कि मेट्रोपिक आई में आपका जो लाइट होती है वो पैरेलल आती है इन्फाइनिटी से होकर के आपका रेटिना पे पड़ती है। वाइल अकोमोडेशन इज रेस्ट उस टाइम आपका क्या होता है, अकोमोडेशन रेस्ट होता है, अकोमोडेट नहीं करती है। बट इन नियर ऑब्जेक्ट लेकिन नियर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लाइट रे फोकस ऑन द रेटिना, लाइट रे जो है फोकस कहाँ पे करती है, रेटिना करती है। विथ मैकेनिज्म इज कॉल्ड अकोमोडेशन यानी कि जब नियर का हम देखते हैं ऑब्जेक्ट उसमें रेटिना पे किसकी सहायता से जो मैकेनिज्म काम करता है उसमें वो अकोमोडेशन की सहायता से काम करता है। ठीक है, अकोमोडेशन इज द प्रोसेस, अकोमोडेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच द आई इंक्रीज यानी कि अकोमोडेशन में आई क्या करती है, इंक्रीज करती है इट्स कन्वर्जिंग पावर यानी कि ए जो है कन्वर्ज करती है, कन्वर्जिंग पावर सो दैट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड, इसलिए वहाँ इमेज जो है क्लियर फॉर्म होता है अंदर रेटिना यानी रेटिना पे। अकोमोडेशन में जो ऑब्जेक्ट होता है यानी लाइट होती है उसको कन्वर्ज करके रेटिना पे लेके जाता है, इसलिए हमें इमेज क्लियर दिखाई देता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन इन्फाइनिटी एंड नियर पॉइंट ऑफ आई, इसमें आपका क्या होता है किसके किसके बीच में, इन्फाइनिटी और नियर पॉइंट ऑफ आई यानी जो नियर पॉइंट होता है आई का उनके उनके दोनों के बीच में होता है। ठीक है, देखिएगा आप अकोमोडेशन तो देख लिया, अकोमोडेशन क्या होता है यानी मैकेनिज्म यानी कि इसका जो मैकेनिज्म होता है अकोमोडेशन मैकेनिज्म यानी रेटिना पे जो पड़ता है वो अकोमोडेशन कहलाता है। आप देखिए मैकेनिज्म कैसे होता है अकोमोडेशन का यानी किस तरह से अकोमोडेट काम करता है यानी हमारी आई अकोमोडेट कैसे करती है, देखिएगा मैकेनिज्म क्या होता है। द आई इंक्रीज इट्स रिफ्रैक्टिव पावर विथ द हेल्प ऑफ सीलरी मसल्स जोन्यूल लेंस कैप्सूल दिस इज ब्रॉट अबाउट बाई द कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ द सीलरी बॉडी विच आर स्टिमुलेटेड टू कंट्रोल बाई द पैरासिम्पैथेटिक नर्व आर थर्ड क्रेनियल नर्व। देखिएगा इसमें क्या बता रहा है आपका मैकेनिज्म में क्या क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। द आई इंक्रीज इट्स रिफ्रैक्टिव पावर यानी आई हमारी क्या करती है, रिफ्रैक्टिव पावर को इंक्रीज करती है विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स यानी किसकी सहायता से, सिलरी मसल्स की सहायता से हमारी आई क्या करती है, रिफ्रैक्टिव पावर को इंक्रीज करती है, जिसमें क्या क्या काम करता है देखिए, विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स होता है उसमें जोन्यूल्स होता है, लेंस का कैप्सूल्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा सिलरी मसल्स जोन्यूल और लेंस कैप्सूल इसमें काम करता है, इसी की वजह से हमें अकोमोडेट करती है हमारी आई। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय द कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स, ये आपका ब्रॉट यानी सबसे ज़्यादा क्या इसमें कंट्रैक्शन क्या करता है, सबसे मेन काम क्या होता है इसमें, कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स यानी किस वजह से ये सब काम करते हैं, जो सर्कुलर मसल्स होती हैं। ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ ऑक्युलर मसल्स यानी आई का जो ऑक्युलर मसल्स होती है वो कंट्रैक्ट करती है फाइबर ऑफ द सिलरी बॉडी,
कंट्रैक्ट करती है तो उसमें सिलरी बॉडी विच आर इंस्टिमुलेट यानी जो इंस्टिमुलेट करती है टू कंट्रैक्ट बाय द पैरासिंथेटिक नर्व, यानी कि जो जब आपका सिलरी बॉडी पे हमारी ऑकुलर मसल जो है क्या करती हैं यहाँ पे कंट्रैक्ट करती हैं तो हमारी जो सिलरी बॉडी होता है इंस्टिमुलेट करती है यानी वो अपना काम करती है बाय द पैरासिंपैथेटिक नर्व और थर्ड क्रेनियल नर्व, यानी कि पैरासिंपैथेटिक नर्व की सहायता से या फिर थर्ड क्रेनियल नर्व हमारी होती है उसकी सहायता से होता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, व्हेन एवर देयर इज स्टिमुलेटेड फ्रॉम अकोमोडेशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इमेज ऑक्सीपिटल कार्टेक्स ऑफ ब्रेन व्हेन द सर्कुलर मसल्स फाइबर कंट्रैक्ट देन द नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिलरी बॉडी काजेज ऑफ सिलरी बॉडी काजेज ऑफ सिलरी रिंग टू सर्टेन एंड मूव फॉरवर्ड इट रिजल्ट द जोन्यूल आर रिलैक्स्ड। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, व्हेन एवर देयर इज स्टिमुलेटेड फ्रॉम अकोमोडेशन यानी कि जब आपका इसमें स्टिमुलेट करता है अकोमोडेशन होता है यानी अकोमोडेट की जब जरूरत पड़ती है तब हमें इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है स्टिमुलेशन की, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इमेज यानी जब हमें ब्लड इमेज दिखाई दे कहाँ पे ऑक्सीपिटल कार्टेक्स ऑफ द ब्रेन यानी ब्रेन में के ऑक्सीपिटल कार्टेक्स में जाता है तो वहाँ पे ब्लड दिखाई देता है तब हमें अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन द ऑक्युलर मसल्स फाइबर कंट्रैक्ट देन द नॉर्मल कंट्रक्शन ऑफ द सिलरी बॉडी व्हेन द ऑक्युलर मसल्स फाइबर यानी कि जब आपका ऑक्युलर मसल्स फाइबर कंट्रैक्ट करता है देन द नॉर्मल कंट्रक्शन ऑफ द सिलरी बॉडी उसके बाद क्या होता है नॉर्मल कंट्रक्शन यानी सिलरी बॉडी का जो है नॉर्मल तरीके से वो भी कंट्रैक्ट करती है। काजेज ऑफ सिलरी रिंग टू सर्टेन एंड मूव फॉरवर्ड यानी इसमें क्या होता है सिलरी रिंग्स सर्टेन यानी हल्का एंड मूव फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ मूव करता है इट रिजल्ट द जोन्यूल आर रिलीज्ड इसमें क्या होता है जोन्यूल रिलीज्ड होता है यानी जोन्यूल भी आपका जोन्यूल आर रिलैक्स यानी जोन्यूल आपका इसमें रिलैक्स होता है। आगे देखिएगा इसमें क्या है द टेंशन ऑन द कैप्सूल इज रिलीज्ड एंड लेंस इंक्रीज कन्वर्जिंग एंड इट्स डायोप्टरिक पावर इज इंक्रीज दिस अलाउ द नियर ऑब्जेक्ट टू द फोकस क्लियर ऑन द रेटिना यानी इसमें क्या बता रहा है द टेंशन ऑन द कैप्सूल इज रिलीज्ड जो टेंशन होता है हमारा यानी कि इंट्राकुलर प्रेशर जो टेंशन है कैप्सूल पे इज रिलीज्ड यानी रिलीज होता है एंड लेंस इंक्रीज और उसके बाद यानी टेंशन हमारा हमारे आई का जो कैप्सूल का लेंस का कैप्सूल रिलीज होता है एंड लेंस इंक्रीज कन्वर्जिंग और उसके बाद हमारा लेंस क्या करता है इंक्रीज करता है कन्वर्जिंग एंड इट्स डायोप्टरिक पावर इज इंक्रीज और उसके बाद इसमें डायोप्टरिक पावर इंक्रीज हो जाता है दिस अलाउ द नियर ऑब्जेक्ट टू फोकस ये आपका तब जाकर के अलाउ करता है फोकस क्लियर ऑन द रेटिना तब जाकर के आपका रेटिना पे फोकस करता है। ठीक है, देखिए कितनी तरीके से हो करके तब जाकर के हमारे रेटिना पे फोकस कर रहा है यानी नियर का देखना है तो इसमें सिलरी मसल्स जोन्यूल लेंस कैप्सूल की बहुत ज़रूरत पड़ती है यानी ये सब अगर आपके कमज़ोर हो गए तो यानी जल्दी आपका अकोमोडेट नहीं कर पाएगा हमारी आई। इसमें क्या होता है आपका आपका ये थर्ड क्रेनियल नर्व की सहायता से कंट्रैक्शन होता है उसके बाद स्टिमुलेट करके हमारी आई आगे जाती है। ठीक है, आगे इसमें और थोड़ा देख लीजिएगा विथ एज देयर इज डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस कैप्सूल सो दैट द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज डिक्रीज दिस इज नोन एज प्रेसबाइपिया द इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस डिक्रीज बिकॉज ऑफ थिंकिंग ऑफ द लेंस कैप्सूल एंड लेइंग डाउन ऑफ इक्वाटोरियल फाइबर इन द सेंटर ऑफ द लेंस विच बिकम रिजिड। देखिए इसमें बता रहा है आपका विथ एज यानी एज के हिसाब से देयर इज डिक्रीज इलास्टिसिटी यानी यहाँ पे इलास्टिसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है ऑफ द लेंस यानी लेंस की यानी एज के अनुसार हमारे आई की जो है यानी लेंस की इलास्टिसिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है लेंस कैप्सूल की सो दैट द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज डिक्रीज इसलिए जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है यानी अकोमोडेशन का जो पावर होता है वो भी धीरे धीरे जाने लगता है दिस इज नोन एज प्रेसबाइपिया इसे हम क्या बोलते हैं प्रेसबाइपिया यानी प्रेसबाइपिया में क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी जो अकोमोडेशन का पावर होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ठीक है,
द, अब आगे देखिएगा इसमें क्या बता रहा है, द इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस डिक्रीज बिकॉज द थिकनिंग ऑफ द लेंस, यानी जो इलास्टिसिटी होता है लेंस का वो डिक्रीज इसलिए होता है बिकॉज द थिकिंग, यानी जो वो लेंस क्या होता है, लेंस कैप्सूल उसका पतला होने लगता है, एंड लेइंग डाउन ऑफ इक्वेटोरियल फाइबर, और लेइंग डाउन यानी उसका जो चारों तरफ का फाइबर है इन द सेंटर ऑफ द लेंस, जो सेंटर लेंस के सेंटर में होता है, बिकम रिजिड, क्या होने लगता है, कड़ा, यानी कि रिजिड हो जाता है, कड़ा होने लगता है, जिससे उसमें आपका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाता है, कन्वर्ज नहीं कर पाता है लाइट और हमारे आई में जा नहीं पाती है। ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, जिस आज हमने आपको बताया अकोमोडेशन और मैकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। अगले दिन हम मिलते हैं, क्या क्या होती है हमारे आई में जब अकोमोडेशन होता है, तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।